दोनों ने साथ में एक विक्ट्री का सिग्नल दिखाया था, इसका क्या मायने? वो देखिए, हम लोगों ने 5 लोगों ने वोट दिए तो उस 5 वोट का असर हो रहा है। आपने देखा कि चाहे कोई चुनाव हो, मुझे तो आश्चर्य होता है कि छोटी पार्टी हम लोगों की है, कोई चुनाव आता है तो उस चुनाव का केंद्र बिंदु बन जाती है भारतीय समाज पार्टी। गाड़ी में गए वोट देने के बाद, गाड़ी में गए तो कुछ काम था, हमने कहा कि काम है तो कहें चलिए इस समय खाली है बैठ के फोन कर देंगे, कुछ काम हुआ फोन करना था करके। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को फोन करके वोट नहीं मांग सकते और बयान इस तरह का दे रहे हैं जैसे लगता है कि बचपन में बच्चे खेलते हैं खेल। 8 विधायक वाले जो गठबंधन में थे, 8 विधायक वाले को राज्यसभा बनाते हो और जब राजभर को टिकट देने की बात आई MLC का, हमने राज्यसभा नहीं मांगा, हमने कहा कि देख लो इनका न्याय क्या होता है। अगर 8 वाले को आपने, आपके साथ लड़ने वाले को 8 वाले को राज्यसभा दिया तो 6 वाले को तो MLC देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्यों नहीं दिया? बात करेंगे। विधान परिषद के उपचुनाव के लिए आज वोट पड़े हैं, भाजपा के जो चीफ है ओम प्रकाश राजभर जी ने भी वोट डाला है, मेरे साथ इस वक्त मौजूद भी हैं, बहुत स्वागत है आपका राजभर जी। सफर कैसा रहा? पहले तो मुझे आप ये बताइए, जो गाड़ी से आप आए हैं और डिप्टी CM आपके साथ मौजूद थे, बहुत अच्छा रहता है। हम तो उनके साथ रसड़ा भी गए थे, याद होगा हमारी पार्टी के शिवेंद्र सिंह के हॉस्पिटल के उद्घाटन में एक साथ गए थे, संबंध हमारा उनका है। देखिए, बसपा में वो रहे हैं, फिर BJP में आए तो हमारा गठबंधन BJP से हुआ, तो वो भी मिनिस्टर थे, हम भी मिनिस्टर थे। हम समाजवादी पार्टी में गए तब भी मैं भूपेंद्र चौधरी जी से मिलता था, दयाशंकर जी से मिलता था, केशव जी से मिलता था, ब्रजेश पाठक जी से मिलता, सबसे मिलते थे, उनके साथ थे तब भी, अब नहीं है तभी मिल रहे हैं। वो भी वोट देने गए थे, हम लोग भी 5 लोग गए थे, सुबह स्नाते चले गए भाई चलो वोट दे के हम लोगों को 12 बजे निकलना है, अगर भीड़ भाड़ हो जाएगी तो हम लोग लेट होंगे, क्षेत्र में शादी का कार्यक्रम चल रहा है तो उधर जाना है। उन्होंने आपको CM की PC में आने के लिए तो नहीं कहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो अपना उनकी पार्टी का हमारी पार्टी का थोड़ा। आप लोग जब उतरे गाड़ी से तो आप दोनों ने साथ में एक विक्ट्री का सिग्नल दिखाया, इसका क्या मायना था? वो देखिए, हम लोगों ने 5 लोगों ने वोट दिया तो उस 5 वोट का असर हो रहा है। आपने देखा कि चाहे कोई चुनाव हो, मुझे तो आश्चर्य होता है कि छोटी पार्टी हम लोगों की है, कोई चुनाव आता है तो उस चुनाव का केंद्र बिंदु बन जाती है भारतीय समाज पार्टी। अभी से MLC के चुनाव में हम लोगों की कौन सी ताकत, लेकिन चर्चा में खाली हम ही लोग हैं। CM के साथ आप गाड़ी में आएंगे, चर्चा में तो बनेंगे? नहीं, गाड़ी में आए नहीं थे, गाड़ी में गए थे वोट देने के बाद, गाड़ी में गए तो कुछ काम था, हमने कहा कि काम है तो कहें चलिए इस समय खाली है बैठ के फोन कर देंगे, कुछ काम हुआ फोन करना था करके। अच्छा, किस तरफ जा रहा है भाजपा का वोट? अब काउंटिंग होगी तो मालूम हो जाएगा किधर जा रहा है। टीजर तो नहीं था सुबह? नहीं, ये गुप्त मतदान होता है। तो मैं सवाल नहीं डायरेक्टली कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ सुबह वाला कहीं टीजर तो नहीं था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो तो देखिए, चुनाव पर्चा जिस दिन चुनाव आयोग ने सूचना जारी की और प्रत्याशी घोषित हो गए उसी दिन तय हो गया, लड़ने वाले एक जीतने के लिए तय हो गया, एक हारने के लिए तय हो गया, दोनों मान गए थे कि हम जीत जाएंगे और एक मान गया कि हम हार जाएंगे। तो लेटर वगैरह लिखा है, आपसे भी मिलने आए थे कल कार्यालय में, की रिक्वेस्ट करी अंतरात्मा जही इसकी? नहीं, वो यही तो बात है ना कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को फोन करके वोट नहीं मांग सकता और बयान इस तरह का दे रहे हैं जैसे लगता है कि बचपन में बच्चे खेलते हैं खेल। याद होगा राष्ट्रपति के चुनाव में जब हमने द्रौपदी मुर्मू जी को वोट दिया था, दलित को वोट दिया था, तब बड़ा विरोध किया था अखिलेश यादव ने मेरा, है ना? तब वो सिन्हा जी को लेकर खड़े हो गए, तब दलित प्रेम नहीं जगा और आज अति पिछड़ा प्रेम जग रहा है। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए 5 साल CM थे, नहीं कर पाए, एक बार भी सदन में बयान नहीं आया, विधानसभा में साल भर से ऊपर हो गया ना MLA हुए, एक बार भी बयान नहीं आया इसको सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए। ग्राम पंचायत अधिकारी 257 पद पिछड़ों का लूटा गया, एक बार भी मुख्यमंत्री को फोन करके पूछने की हैसियत नहीं है। पिछड़ों के नेता बनते हो, दलितों के नेता लोग बनते हैं तो कह रहे हैं ना, हमने प्रत्याशी खड़े कर दिए दोनों दलित, प्रत्याशी से क्या मतदान ताल्लुकात उसका है?
हाई कोर्ट ने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 पद लूटा गया। क्या इस मामले को लेकर मायावती जी, अखिलेश जी क्या मुख्यमंत्री से मिले? क्यों नहीं मिले? किस बात के लिए आप चिल्लाते हो कि हम पिछड़े दलित के नेता हैं? आप लोग मिलते कहते कि अन्याय हो रहा है। एक आप एक सीएम हो, आप लोग जाओगे तो आप लोगों का महत्व होगा। मैं तो 3 बार जाके मिला, स्वीकार भी किया मुख्यमंत्री ने, यहाँ अधिकारियों ने गलती की है, हमके इसको पूरा कराइए। वीडियो दिखाता हूँ आपको मैं। आप तो कार पे घूमे, उसके रखले जी से सवाल जब हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई सरकार के सिर पे सुनिए सुनिए उसके लिए क्या बोल सकते हो? उन्हें भी पिछड़ा दलित उनके लिए क्या है? अपने ही राम जतन राजभर को हरा रहे हैं सरकार के सिर बैठ करके, और सुना है वो गाड़ी में बैठ करके आए। चलो एक दिन एसी की हवा मिल गई उन्हें, अच्छा रहा। एक दिन डिप्टी सीएम के साथ बैठ करके एसी की हवा, अभी 1 साल ठीक रहेंगे, 1 साल उम्मीद करो ये सरकार के लिए ही काम करेंगे। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? नहीं देखिए, वो 100% झूठ बोल रहे हैं। पहला बात, झूठ ये बोल रहे हैं कि दलित पिछड़ों के नेता बनते हैं। जब दलित को वोट देने की बात आई तो कहां खड़े थे? ये सिन्हा जी के साथ खड़े थे, थे ना? कहां था इनका उसमें अंतरात्मा? कहां थी? मर गई थी। क्यों नहीं आपने दिया दलित की बेटी को वोट? आप सिन्हा को लेकर प्रेस वार्ता कर रहे थे, ओम प्रकाश राजभर के ऊपर उंगली उठाओगे? जब आपने जब जीतने का प्रत्याशी तय करना था तब आपने राजभर को क्यों नहीं तय किया? बैठाइए डिबेट पर। 8 विधायक वाले को राज्यसभा बनाते हो, 8 विधायक वाले जो गठबंधन में थे, 8 विधायक वाले को राज्यसभा बनाते हो, और जब राजभर को टिकट देने की बात आई एमएलसी का, हमने राज्यसभा नहीं मांगा। हमने कहा कि देख लो इनका न्याय क्या होता है। अगर 8 वाले को आपने, आपके साथ लड़ने वाले को, 8 वाले को राज्यसभा दिया तो 6 वाले को तो एमएलसी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्यों नहीं दिया? बात करेंगे, बैठाइए डिबेट पर एक दिन।